समाज को रोकना होगा, बचाना होगा। हमारा लक्ष्य आरक्षण के साथ साथ शिक्षा है। यह आरक्षण का लाभ तभी हम संभव है जब आने वाली 10 पीढ़ी इसका लाभ ले पाएगी। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि ढाणी ढाणी में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक झोपड़ी के अंदर एक शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, अधिकारी बनकर पैदा हो। जब वो वहां से निकलेगा तो समाज का उद्धार होगा। चली गई थी, क्या मांग रखी है आपने? जी, हम लोगों की आज की आदिवासी आरक्षण मंच के तत्वावधान में आर पार महारैली थी। ये अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग को स्थानीय भर्तियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग, और राज्य सेवा में जो जनजाति वर्ग का 12% आरक्षण है उसमें से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को 6.5% पृथक आरक्षण करने की मांग, पृथक आरक्षण की मांग। और अभी जो भर्तियां हो रही हैं स्थानीय, उसमें हर भर्ती में एक न्यूनतम पात्रता का एक बाध्यता है, तो उस बाध्यता की वजह से हमारी कई सीटें यहाँ जनजाति वर्ग की रिक्त रह जाती हैं, तो उस पात्रता को भी पूर्ण रूप से हटाने की मांग को लेकर के आज हमारी ये रैली आयोजित की गई है। और इसके हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। आपका पूरा नाम? जी, मैं आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से हूँ और मैं आदिवासी आरक्षण मंच की केंद्रीय कमेटी का सलाहकार हूँ, प्रोफेसर कमलकांत कटारा।